जो सोवत है वो खोवत है, लेकिन जो कम सोवत है वो बहुत ज़्यादा खोवत है। एंड अगर आप रात में बहुत कम सोते हैं तो आई एम सॉरी, तो अर्ली डेथ के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, अकॉर्डिंग टू पबमेड सेंट्रल PMC की एक 2010 की स्टडी के अनुसार। एनीवे, स्लीप डिप्रिवेशन का मतलब क्या है? मतलब कि नींद का ना आना और ख्यालों में खो जाना, खुली आंखों से सपने देखना। वेट, ये तो कहानी कहीं और ही जा रही है। वेल, स्लीप डिप्रिवेशन का मतलब क्या है? क्वालिटी स्लीप ना ले पाना या फिर नींद का ना आना। वीडियो में आगे जो कंटेंट है उसे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाले हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से यार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप फ्यूचर अपडेट्स को मिस ना कर पाओ। ये ज्ञान तो आपने सुना ही होगा कि 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम लोगों ने तो तब भी नहीं सुनना, बिकॉज जब प्रॉब्लम मेजर होगी तब हम अपने डॉक्टर अंकल के विजिट करने चले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू CDC, अगर आप 18 प्लस हैं तो आपको मोर देन 7 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जब आपकी नींद पूरी नहीं होती। तो सबसे पहला है फटीग, सारा दिन टायर्ड रहना, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से। और ये जो जनरेशन है या तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है या तो बहुत कम प्रोडक्टिव रहती है। कहने का मतलब है, अगर काम है तो चैन की नींद नहीं, और ज़्यादा नींद है तो वेल, आगे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। सेकेंड सिम्टम, इरिटेबिलिटी, हमेशा इरिटेट रहना, लोगों पर चीखना चिल्लाना। और ये तो अंडरस्टूड है, बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो बॉडी परेशान ही रहेगी, और बॉडी परेशान रहेगी तो आप परेशान रहेंगे, आप परेशान रहेंगे तो आपके पड़ोसी परेशान रहेंगे। वेल, ये तो कहानी हो गई। नेक्स्ट है मूड चेंजेस, जैसे कि सडनली आप अच्छा फील करने लगेंगे, देन नेक्स्ट मोमेंट ही आपको गुस्सा आने लगेगा। डिफ़िकल्टी फोकसिंग एंड रिमेंबरिंग, मेमोरी शार्प तभी होती है तब आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलता है, अदरवाइज आपका कंसंट्रेशन लेवल डाउन होगा और मेमोरी भी डाउन होगी। रिड्यूस सेक्स ड्राइव, इसका भी सिंपल सी बात है, लो रेस्ट इज इक्वल टू लो प्लेजर। अब जिसको भी सिम्टम्स हैं उसको स्लीप डिप्रिवेशन हो सकता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं हमारी हेल्थ पर। इम्यून सिस्टम, स्लीप डिप्रिवेशन से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, जिससे कि आपको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कैन अफेक्ट योर वेट, इट कैन अफेक्ट योर हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल्स फीलिंग्स ऑफ हंगर एंड फुलनेस, जिससे यह आपके इंसुलिन को ट्रिगर कर सकता है। और फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट स्टोर होने के चांसेस हो जाते हैं। अब ज़्यादा फैट स्टोर होगा तो टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क इंक्रीज़ हो सकता है। हॉर्मोन लेवल्स पर अफेक्ट करेगा, लाइक ग्रोथ हॉर्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। और स्ट्रेस हॉर्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, लाइक कॉर्टिसोल एंड नोरेपिनेफ्रिन। और साइड इफ़ेक्ट्स अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुए हैं, आपके हार्ट, ब्रेन और फर्टिलिटी पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ लेकर ज़रूर डूबेंगे, तो ये यहाँ पर अच्छे से फिट बैठता है, बिकॉज एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं व्हेन यू आर स्लीप डिप्राइव्ड एंड यू हैव टू ड्राइव। इसलिए हैव अ गुड स्लीप देन ड्राइव, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, आप अपने साथ साथ आप तो मरेंगे और दूसरे को साथ लेकर ज़रूर मरेंगे। और इंडिया में आधे से ज़्यादा केसेस इसी वजह से होते हैं, आइदर यू आर ड्रंक और यू आर स्लीप डिप्राइव्ड। यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम लोग सोते टाइम फ़ोन ज़रूर चेक करते हैं, और वो चेक करते करते इतना दूर निकल जाते हैं कि नींद की नीड को समझ ही नहीं पाते कि कब सोना है कब जागना है। केयरिंग फॉर अनदर पर्सन ड्यूरिंग नाइट, केयर करना इज़ फाइन, बट उस केयर को ओवरथिंक में कन्वर्ट करना इज़ नॉट फाइन। भाई जिसको जो करना है वो करके रहेगा, लेकिन आप ओवरथिंक करके अपनी मेंटल पीस और स्लीप दोनों को बर्बाद कर रहे हो। शिफ्ट वर्क, अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो सुबह शाम लगेगी और शाम सुबह, तो पूरा स्केड्यूल चेंज हो जाता है। तो उसी वजह से आप उस टाइम मैनेज करके चले कब आपको सोना है कब आपको जागना है, क्योंकि तब पूरी रात दुनिया सोती है तब आप जागते हैं, तो वो चीज़ आप मेंटेन करके रखें। मीटिंग डेडलाइंस, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं और उसे नेक्स्ट डे ही डिलीवर करना है, तो आप ओवरनाइट वर्क करके अपनी स्लीप से सेक्रीफाइस करते हैं। अनकम्फर्टेबल स्लीप, अब कभी कभार क्या होता है कि हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है बहुत ज़्यादा नॉइसी हो जाता है, और वो कोल्ड भी हो सकता है, वो हॉट भी हो सकता है,
तो उस टाइम हमारे चांसेस होते हैं कि हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट थिंग इज लाइफस्टाइल चेंज। कल से टाइम पर सोऊंगा ये सबसे बड़ा स्कैम है, जो कि वो कल कभी नहीं आता। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट लाइक फूड, देन ये ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगा। सोने से 1 आवर पहले आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करना बंद कर दें और आधी प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो जाएगी आपकी। और फ़ोन को साइलेंट मोड पर कर दो सोने से पहले, ताकि कोई अपडेट से आपकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो और आपकी क्वालिटी स्लीप मेंटेन रहे। डू मेडिटेशन, योगा एंड वर्कआउट जो आपको कंफर्टेबल लगे, बिकॉज इससे स्लीप क्वालिटी बेटर होती है। और अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन पर हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। कीप योर सेल्फ बिजी एंड स्टे अवे फ्रॉम ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव एनर्जी। अगर आपका सर्कल पॉजिटिव होगा तो आप उतने ही ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे। और एक रूटीन बनाने की कोशिश करें, जैसे कि सेम टाइम पर सोना, सेम टाइम पर उठना। और चाहे अगर आपके ऑफिस की छुट्टी है, कॉलेज की छुट्टी है, उसको भी आप ध्यान में रखें। कीप योर रूम डार्क बिफोर स्लीप। उससे क्या होगा कि आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। एंड लिमिट द कंजम्पशन ऑफ कॉफ़ी या फिर कैफीन। स्लीप डिप्रिवेशन से आपकी परफॉर्मेंस पे असर दिखता है, चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या फिर ऑफिस में। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग से काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, और एक अच्छी नींद से भी आपकी काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और हाँ, लास्ट वीडियो था व्लॉग विद हाईटेक फार्मर, उसे भी ज़रूर देखना। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट्स में ज़रूर बताएं अपना स्लीपिंग रूटीन। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी उन लोगों को भेजें जो अब स्लीप से डिस्टर्ब हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्यूसडे 5 PM। थैंक्स फॉर वॉचिंग।